रचना रचना अरे ओके उठो रचना, क्या हुआ रचना? रचना उठो, अरे पानी लेके आओ। रचना सुबह तक तो एकदम ठीक थी, अचानक क्या हो गया इसको? ये डिस्कस करने का वक्त नहीं है चारू। एक काम करिए, सब लोग पीछे चलिए, थोड़ा चलिए प्लीज। रचना घर पे ठीक थी? हाँ सर। किसी तरह की कंप्लेन या कोई तकलीफ तो नहीं थी ना? नहीं। भाई प्रेजर हंट के दौरान मैंने एक बात नोट की। क्या? रचना को काफी चक्कर आ रहे थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। किसी दवाई या किसी चीज का नशा हुआ है, अगर अपनी भाषा में कहें तो शी हैज बीन सेडेटेड। सेडेटेड? आई मीन रचना क्यों कोई दवाई या नींद की गोली लेगी? दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल और इम्पॉसिबल ये तो रचना के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं। कौन है जो हमारी रचना को बेहोश करना चाहता है? कोई तो है जो उससे जलता है, जो उससे डरता है। सब जानते हैं कि हमारी रचना हर चीज में अच्छी है। कोई तो है जो हमेशा उसके आसपास रहता है, उसके साथ रहता है। मयंक, मेरे ख्याल से तुम्हें रचना को जल्दी से जल्दी घर ले जाना चाहिए। She needs proper food and rest. छाया, हम दूसरा ऑटो ले लेते। हाँ चलो। कॉलेज में बेहोश हो गई क्या? लेकिन कैसे? चारू का फोन आया था, डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसने कहा कि उसने नशे की या नींद की गोली खाई है। नींद या नशे की गोली? हाँ। भगवान। ताई जी हमारे तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए थे, हमें लगा कहीं ये सब टेंशन की वजह से तो नहीं, या फिर बीपी भी लो हो सकता है, इतनी गर्मी जो थी, या फिर स्ट्रेन तो नहीं हो गया। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि रचना को नशे की गोली दी गई है, हमें लगा जैसे हम ही बेहोश हो जाएंगे। रचना बेटा, तुमने ऐसा कुछ खाया हो या पिया हो जिसमें तुम्हें लगता है कि कुछ मिला हो? नहीं चाचा जी, कॉलेज के लिए निकलने से पहले बादाम का दूध पिया था। बादाम का दूध तो हमने ही बनाया था गुंजन और रचना के लिए, और दोनों ग्लास हमने गुंजन को दिए थे, तो गुंजन ने ही रचना को दूध दिया होगा ना? तो फिर कहीं गुंजन ने ही तो हाँ
हो सकता है? याद नहीं है कल रात को दोनों कैसे लड़ रही थी? और फिर दीदी, हमने आज सुबह उसे अपने नाइट ड्रेस में यहाँ वहाँ घूमते देखा था, ये नहीं कि जाके तैयार हो जाती। बात तो सही है सासू माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुंजन के पास पूरा रीजन है रचना को बेहोश करने का, सबूत हमारे सामने है। बस करो चारों, बंद करो ये बेबुनियाद इल्जाम लगाना। गुंजन ऐसा करेगी? हो ही नहीं सकता। दाऊजी ठीक कह रहे हैं, रचना अब ठीक हो गई है, उसे आराम करने देते हैं। रचना बेटा तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। मौसी जी, रचना कैसी है अभी? उसे होश आया? थैंक गॉड। क्या बात है मौसी जी, आप इतनी चुप चुप से क्यों है? कुछ हुआ है क्या? रचना ने क्या कहा? उसने क्या खाया क्या पिया? उसे किसी पे शक है क्या? बताइए ना मौसी जी। सिर्फ इतना कि सुबह मैं जाने से पहले उसने बादाम का दूध पिया था। बादाम का दूध? वो तो उसे मैंने दिया था, उसमें कैसे कुछ हो सकता है? तकलीफ कर रहे हैं? हमें दीजिए, हम रचना को खाना दे आते हैं। चारू कुछ ज्यादा ही लीडर बन रही है, वहां कॉलेज में भी, कहीं फिर से उसकी कोई चाल तो नहीं? अच्छा ठीक है, मौसी जी कहीं आपको, कहीं मुझ पर तो क्या है? गुंजन रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी बोलो। मौसी जी मैंने कुछ भी नहीं किया, I swear मौसी जी। क्यों गुंजन, हमने तुमसे कुछ कहा, तुम्हारी तरफ उंगली उठाई, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही? ये सब छोड़ो, जाओ जाकर मुंह हाथ धो। गुंजन, एक कंपटीशन के लिए तुम अपनी बहन के साथ धोखा करोगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। रचना, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, फाइन। रचना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट अब तो यकीन हो गया है कि कोई तो है जो तुम्हारे और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद आई एम डेड श्योर कि प्लीज कुंजन, रहने दो ये सब। हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी देर में सोना चाहते, बाद में बात करें। हाँ, वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा।
बताया तो खैर नहीं है, फेल कर दूंगा फेल। कितना सब करती हो, आज तुम मेरे साथ आरती के लिए मंदिर चलो, भगवान सब ठीक कर देंगे। क्या सोच रही हो? चलो वहां रचना और गुंजन भी होंगे। ऐसे कैसे समदन जी, आप सबको आना है पूरे परिवार के साथ। आप तो जानती हैं ना हमारी चारू की पहली होली है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। इसके पापा ने तो इतनी सारी तैयारियां कर ली है, बहुत बड़ी पार्टी रखी है उन्होंने। आफ्टर ऑल चारू के पापा का बनारस में इतना नाम है, और ऐसे में आप ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हम आना चाहते हैं, लेकिन एक बार इनसे पूछना पड़ेगा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। हम चारू के पापा से कह देते हैं, वो समधी जी से बात कर लेंगे। बस आप जल्दी से जल्दी आने की तैयारियां कीजिए। और हाँ, एक बार फिर से कह रही हूँ, आप सबको आना है। कोई काम वाम का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि होली के दिन कोई काम नहीं करता। हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, ये होली पार्टी गुंजन की फेयरवेल पार्टी होगी, उसके बाद मैडम आउट। कहाँ थी छाया, और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? छाया, क्या हुआ छाया, रो क्यों रही हो? छाया बताओ ना, बात क्या है? तुम्हें हमारी कसम, बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ छाया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ रचना, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा रचना। एक दिन कॉलेज में, कॉलेज में क्या? कॉलेज पे सर, इतने गिरे हुए इंसान है, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उन्होंने हमें धमकी दी है, अगर हमने किसी को भी ये बात बताई ना तो हमें फेल कर देंगे, हमें कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड तुम नहीं, वो मिस्टर शर्मा होगा। प्लीज गुंजन, तुम सर के साथ कुछ मत करना, तुम जानती नहीं हो क्या कर देंगे। और हाँ, ये बात ना इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं छाया? जिस देश में औरत को देवी मानकर पूजा की जाती है, और वहां तुम्हारे साथ इतना बड़ा अपमान,
बात का बतंगड़ बनाने से क्या फायदा रचना? सिर्फ हमारी बेइज्जती होगी और हमारे घर वालों की। नहीं रचना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चमत्कार का इंतजार करें क्या कि इस देश में जितने भी शर्मा जैसे लोग हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे? तब तक तो न जाने और कितनी छाया अपमानित हो जाएंगी। इस शर्मा को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसे सबक सिखाना होगा, वार्न करना होगा कि हम कोई खिलौना नहीं है छाया। देयर इज नो स्टॉपिंग नाउ। रचना, तुम गुंजन को समझाओ ना, वरना हम और फंस जाएंगे। नहीं छाया, गुंजन बिल्कुल सही कह रही है। एक बार हिम्मत करके सर के खिलाफ एक्शन लेते हैं, शर्मा सर को सजा दिलाकर ही रहेंगे। डोंट वरी छाया, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये लो बेटा, ये लो, और जरा ध्यान से जाना, कल होली है ना, लड़के रंग डालने से बाज नहीं आएंगे। जी जी मौसी जी। हाय रचना। हाय गुंजन। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। बाय मम्मी जी। बाय बेटा। तैयार हो गई? हम तो तैयार हैं। तुम तैयार हो? हाँ, बस थोड़ा नर्वस है। आई होप सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गया तो? डोंट वरी छाया, अभी तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। चले गई। आओ अंदर आओ। एक बार हिम्मत करके तुम्हें सर के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। शर्मा सर को सजा दिलानी होगी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। फिर जो नहीं होना चाहती हो तो सब प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए ना सर। सब प्लीज हमें फेल मत कीजिएगा सर। फेल नहीं करेंगे तुम्हें। पाठ करूंगा, सिर्फ पास ही नहीं, तुम्हारे लिए पेपर भी मैं खुद ही लिखूंगा। लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए।